भाई दोस्तों, जैसा कि साल की सबसे बड़ी सेल जो है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में आपको स्मार्टफोन पे काफ़ी तगड़ी वाली डिस्काउंट देखने को मिल जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जहां पर आपको 20,000 के नीचे काफ़ी कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर मोस्टली डिवाइस ऐसे हैं जिनका प्राइसिंग नॉर्मली जो है 25,000 प्राइसिंग के आसपास रहती है, बट आप फिलहाल के टाइम में इन सभी स्मार्टफोन को 20,000 से भी कम के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। अगर आपका बजट जो है करेंट टाइम में 20,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, जहां पर आपको अच्छी खासी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये सारे स्मार्टफोन फ्लेक्सिबल लेवल फीचर्स के साथ में लेस है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 870 की पावरफुल चिपसेट मिलेगी जहाँ पर आप तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही कैमरा में OS की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और वहीं आपको अच्छी खासी डिजाइन साथ ही काफ़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपका बजट जो है अंडर 20,000 प्राइसिंग के आसपास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे देखिए तो ये सारे स्मार्टफोन अपने अपने प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में आती है, बट फिर भी हमने सभी स्मार्टफोन को फीचर्स वाइज रैंक किया है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 6 डिवाइस से, जो कि आती है Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग रियली आपको काफ़ी इंप्रेसिव फीचर्स देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन आती है 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहाँ पर 120 हर्ट्ज़ की फास्ट रिफ्रेश की सपोर्ट दी गई है, साथ ही SDR10 की सपोर्ट और वहीं गेमिंग के लिए 360 हर्ट्ज़ की टच सिम्युलेट देखने को मिल जाती है। साथ ही डिस्प्ले 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है और वहीं कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगी। इसके बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है ग्लास बैक पैनल के साथ में आती है, जहाँ पर मैट फिनिशिंग दी गई है। साथ ही इसका डिजाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा और यहाँ पर अच्छी बात है कि IP53 की रेटिंग दी गई है, यानी कि इस डिवाइस को पानी वगैरह से थोड़ा बहुत बचा सकता है। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8.3 mm है और वहीं इसका वेट करीब 207 ग्राम है। इसके बैटरी की बात करें तो ये स्मार्टफोन 5160 mAh पावरफुल बैटरी के साथ में आती है, जिसे चार्ज करने के लिए 67 वाट की अच्छी खासी टर्बो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, तो काफ़ी कमाल की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का मोस्ट पावरफुल चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल 8 5G बैंड्स की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरा की, तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहाँ पर मेन कैमरा 108 MP का मिलता है। इसके अलावा 8 MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 MP की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। इस डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस इस डिवाइस का वीक पॉइंट है, यानी कि कैमरा यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग नॉट दी वर्स्ट नॉट दी बेस्ट वाली कैमरा दी गई है, यानी कि यहाँ पर आपको डिसेंट वाली कैमरा मिलती है। और वहीं इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। इसके अलावा बात करें इसके दूसरे फीचर्स की, तो ये स्मार्टफोन जो है साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आती है और यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है, जिसकी क्वालिटी आपको रियली काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। साथ ही स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में आता है और यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि 3.5 का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये स्मार्टफोन UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम के साथ में आती है। तो आइए अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को 6G+128GB के साथ करेंट टाइम में 25,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम में प्रीपेड ऑफर चल रहा है, जहाँ पर अगर आप कोई भी बैंक कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 4,500 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप यहाँ पर एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 1,500 का और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को आराम से जो है 20,000 के नीचे के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में देखें तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर डील है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस कमाल की डिस्प्ले और वहीं आपको अच्छी खासी स्टूडियो स्पीकर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आते हैं नंबर 5 पे वीवो T1 Pro 5G स्मार्टफोन, या फिर आप इसके जगह IQ Z6 Pro 5G स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ही डिवाइस में आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाती है और ये दोनों ही डिवाइस अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी दमदार फीचर्स के साथ में आती है। यहाँ पर मिलती है 6.44 इंच की एक फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यूनॉस के साथ में आती है, तो यहाँ पर लेटेस्ट पंच होल वाली लुक देखने को नहीं मिलती है, जो कि इस डिवाइस के फ्रंट लुक को थोड़ा सा ख़राब करती है। साथ ही ये डिस्प्ले जो है 90 हर्ट्ज़ पैनल के साथ में आती है
और वहीं HDR 10 Plus का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये डिस्प्ले 1300 नेट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है, तो डिस्प्ले यहाँ पर प्राइस की अकॉर्डिंग टॉप नॉच वाली मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपीरियंस रियली काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। साथ ही इसके बिल एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ में आती है, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बैक पैनल यूज़ किया गया है। साथ ही यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं होगा। साथ ही इसका थिकनेस 8.5 mm है और वहीं इसका वेट करीब 180 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन लाइटवेट डिजाइन के साथ में आती है। कैमरा की बात करें तो जैसा कि वीवो की स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस रियली आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा, यानी कि कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी वाली मिल जाती है। यहाँ पर मेन कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दी गई है एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस देखने को मिल जाती है। साथ ही फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 4700mAh की बैटरी यूज़ किया गया है, जिसे चार्ज करने के लिए 66W की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। और वहीं अब बात करते हैं इसके मेन हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि इसका चिपसेट है। यहाँ पर जो है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G की मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि 6nm बेस्ड है। प्राइस की अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल 7 5G बैंड्स का यूज़ किया गया है। और वहीं इसके अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। साथ ही स्मार्टफोन अच्छी बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आती है, और यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप सिंगल टाइम में 2 सिम कार्ड यूज़ कर पाएंगे या फिर आप एक सिम कार्ड प्लस अब 1 माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर पाएंगे। और ये डिवाइस जो है सिंगल स्पीकर के साथ ही आती है, वैसे इस प्राइसिंग में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट होना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर जो आपको 3.5 का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगी, और ये डिवाइस UFS 2.2 स्टोरेज एंड LPDDR4X रैम के साथ में आती है। प्राइसिंग की बात करें तो वैसे इस डिवाइस का प्राइसिंग फिलहाल के टाइम में 25,000 है, जहाँ पर 6GB रैम प्लस 128GB की स्टोरेज दी गई है। बट करंट टाइम में प्रीपेड ऑफर चल रहा है, जहाँ पर आप कोई भी कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपको 4000 का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप यहाँ पर एक्सिस बैंक या ICICI बैंक के कार्ड का यूज़ करेंगे तो आपको 1500 से लेकर 2000 तक का और भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन करंट टाइम में 20,000 के नीचे काफ़ी बेटर स्मार्टफोन है। आप इस डिवाइस को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस, कमाल की कैमरा, साथ ही इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सही वाली मिल जाएगी। सो ये दोस्तों बढ़ते नंबर 4th स्मार्टफोन की ओर, जो कि आती है सोमी की तरफ से इलेवन लाइट एनी 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा जिनको सुपर स्लिम एंड लाइटवेट स्मार्टफोन चाहिए। साथ ही यहाँ पर कैमरा की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी वाली मिल जाएगी। यहाँ पर मिलता है 6.55 इंच की किनविट वाली फुल एचडी प्लस की ओलेड डिस्प्ले, जो कि 90Hz पैनल के साथ में आती है। साथ ही HDR 10 प्लस की सपोर्ट दी गई है और वहीं 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, और गेमिंग के लिए 240Hz की टच सेमरेट देखने को मिल जाती है। साथ ही COG5 की प्रोडक्शन दी गई है। तो डिस्प्ले यहाँ पर नो डाउट आपको प्राइस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट वाली दी गई है। तो यहाँ पर आपको डीप ब्लैक कलर साथ ही पंची कलर देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर लिटरली आपको काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। साथ ही इसके बिल एंड डिजाइन की बात करिए तो इसका बिल एंड क्वालिटी भी जो है काफ़ी बेटर है। ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम एंड ग्लास बैक पैनल के साथ में आती है। इसका डिजाइन आपको रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगा। साथ ही इसका थिकनेस ओनली 6.8 mm है और वहीं इसका वेट करीब 158 ग्राम है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर अच्छी बात है कि IP53 की रेटिंग दी गई है, और जैसा कि स्मार्टफोन स्लिम डिजाइन के साथ में आती है, जिसके कारण यहाँ पर 4250mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रीवियस डिवाइस की तरह ही स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल प्रोसेसर यूज़ किया गया है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल 12 5G बैंड्स की सपोर्ट मिलती है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर सोमी की तरफ से कैमरा की जो ट्यूनिंग है काफ़ी अच्छे से की गई है, यानी कि कैमरा की परफॉर्मेंस आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी वाले मिल जाएगी। यहाँ पर मेन कैमरा जो है 64 मेगापिक्सल का यूज़ किया गया है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 30fps तक शूट कर पाएंगे। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से 1080p 60fps तक वीडियो शूट कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ में आती है, बट फिर भी यहाँ पर साइड की ओर ही फिजिकल फिंगरप्रिंट की सेंसर दी गई है, और ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आती है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको सोमी की तरफ से 3 सालों तक जो है एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, और वहीं 4 सालों तक आपको सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। साथ ही ये डिवाइस जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट ऑप्शन के साथ में आती है। इसके अलावा यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज एंड LPDDR4X की रैम दी गई है, और जैसे कि स्मार्टफोन स्लिम डिजाइन के साथ में आती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है 3.5 का ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगी।
तो अब फाइनली बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो इस डिवाइस के बेस मॉडल को 6G+128GB के साथ 24,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे कोई भी बैंक कार्ड यूज़ करेंगे तो 4,000 का इंस्टेंट ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर 500 का डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन 20,000 के नीचे फिलहाल के टाइम में बेटर डील है अगर आपको स्पेशली स्लिमेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही कैमरा की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर चाहिए, तो आप इस डिवाइस को चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नंबर 3 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आती है रियलमी की तरफ से, रियलमी 9 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। वैसे इस डिवाइस का प्राइसिंग जनरली जो है 25,000 रहती है, बट आप इस डिवाइस को फिलहाल के टाइम में ओनली 18,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में देखा जाए तो यहाँ पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाती है। ये स्मार्टफोन आता है 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस की AMOLED डिस्प्ले के साथ, जहाँ पर 90Hz की पैनल दी गई है, साथ ही 360Hz की टच सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर 600 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है, साथ ही COG5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी वाली मिल जाती है। इसके बिल एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जहाँ पर लाइट शिफ्टिंग वाली डिजाइन दी गई है। साथ ही इसका थिकनेस करीब 8mm है और वहीं इसका वेट करीब 182 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन लाइटवेट डिजाइन के साथ में आती है। इसके अलावा बात करते हैं इसके कैमरा की, जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग पार्ट है। यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबल लेवल का सेंसर यूज़ किया गया है। ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन कैमरा 50MP का यूज़ किया गया है, जो कि सोनी IMX766 सेंसर के साथ में आती है। साथ ही यहाँ पर OIS के भी सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर 8MP की अल्ट्रा वाइड लेंस दी गई है एंड 2MP की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और वहीं आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो रियलमी की तरफ से कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन टॉप नॉच वाली की गई है, यानी कि इसका कैमरा आपको प्राइस के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट वाली देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 4500mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 60W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। और ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6nm बेस्ड है। साथ ही 5G कनेक्टिविटी के लिए 5G बैंड्स की सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। साथ ही स्मार्टफोन LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज के साथ में आती है, और ये डिवाइस अच्छी बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस वाली डुअल स्टूडियो स्पीकर्स की भी सपोर्ट दी गई है, और यहाँ पर आपको माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। तो अब बात कर जाए इसके प्राइसिंग की, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को फिलहाल के टाइम में 23,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, बट यहाँ पर अगर आप कोई भी कार्ड ऑफर यूज़ करेंगे तो 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का कार्ड ऑफर यूज़ करेंगे तो आपको 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप इस डिवाइस को ओनली 18,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में देखें तो रियलमी की तरफ से काफ़ी बेटर डील है, स्पेशली अगर आपको परफॉर्मेंस, डिजाइन, साथ ही कैमरा काफ़ी बेटर चाहिए, तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, बढ़ते नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आती है रेडमी K50i 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस आपको फिलहाल के टाइम में 21,000 के प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगी, और इस प्राइसिंग में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर डील है। अगर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 144Hz वाली रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। साथ ही यहाँ पर जो बेस्ट IPS LCD डिस्प्ले यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर आपका वीडियो क्वालिटी जो है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी, बट आप इसे जो है AMOLED डिस्प्ले से कंपेयर नहीं कीजिएगा। और वहीं HDR10 की सपोर्ट दी गई है, साथ ही 600 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो है कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके बिल एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन पॉलीकार्बोनेट बैक पैनल के साथ में आती है। इसका डिजाइन काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिल जाती है। इसका थिकनेस करीब 8.9mm है और वहीं इसका वेट करीब 200 ग्राम है। इसके अलावा बात कर जाए इसके कैमरा की, तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन कैमरा जो है 64MP का मिलता है। इसके अलावा 8MP की अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 2MP की एक और मैक्रो लेंस दी गई है, और वहीं फ्रंट की ओर 16MP की पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। इस डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस देखें तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिसेंट वाली मिलती है। साथ ही आप इस डिवाइस के रियर कैमरा से 4K 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, और वहीं आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। और वहीं इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5080mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। और वहीं बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, जो कि इस डिवाइस का मेन हाइलाइटिंग पार्ट है। यहाँ पर MediaTek Dimensity 8100 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, जो कि 5nm बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस तगड़ी लेवल का देखने को मिल जाएगी। साथ ही स्मार्टफोन टोटल 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर साइड की ओर फिजिकल फिंगरप्रिंट की सेंसर दी गई है,
और ये स्मार्टफोन LPDDR5 RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज के साथ में आती है, जो कि इस डिवाइस के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और इन्हेंस कर देती है। साथ ही यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस वाली डुअल स्टूडियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है और ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आती है, जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि 3.5 की जैक दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को फिलहाल के टाइम में 25,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, बट अगर आप यहाँ पे कोई भी कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको 3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। साथ ही 1,000 का डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से इस डिवाइस को आप ओनली 21,000 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे। और इस प्राइसिंग में आपको स्पेशली गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सो ही दोस्तों, अब लास्ट में बात कर दिया नंबर वन स्मार्टफोन की, जो कि आती है Poco F4 5G स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको जो है AMOLED डिस्प्ले दी गई है, साथ ही फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस, अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी और वहीं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की भी सपोर्ट दी गई है। यानी कि ये डिवाइस फिलहाल के टाइम में इस प्राइसिंग में काफ़ी बेटर डील है। इस डिवाइस को आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। ये स्मार्टफोन आती है 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस की E4 AMOLED डिस्प्ले के साथ, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि आपके वर्क के अकॉर्डिंग ये अपने रिफ्रेश रेट को चेंज करेगा। साथ ही 13 सेंटीमीटर की पीक ब्राइटनेस दी गई है और वहीं HDR10+ की सपोर्ट, साथ ही कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। इसके अलावा बात कर दिया इसके बिल्ड एंड डिजाइन की, तो ये स्मार्टफोन ग्लास पैक पैनल के साथ में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका थिकनेस करीब 7.7 mm है और वहीं इसका वेट करीब 195 ग्राम है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 4500 mAh की बैटरी यूज़ किया गया है, जिसे चार्ज करने के लिए जो है 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है, जिसकी मदद से आप इस डिवाइस को करीब 38 मिनट में फुल चार्ज कर पाएंगे। तो अब बात कर दिए इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग पार्ट की, जो कि इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर क्वालकॉम की तरफ से Snapdragon 870 का मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जो कि 7nm बेस्ड है। वैसे भी देखा जाए तो ये चिपसेट 2021 का मोस्ट स्टेबल चिपसेट है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम में भी परफॉर्मेंस में इशू देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के लिए टोटल 12 5G बैंड्स की सपोर्ट दी गई है। तो आइए बात करते हैं इसके कैमरा की। तो ये स्मार्टफोन भी जो है ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप के साथ में आती है, जहाँ पर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलता है और यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट दी गई है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल की एक और मैक्रो लेंस दी गई है। साथ ही फ्रंट की ओर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है। इस डिवाइस के आप रियर कैमरा से 4K 60fps तक की वीडियो शूट कर पाएंगे, साथ ही फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पोको के कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती है, यानी कि कैमरा आपको डिसेंट वाली मिलेगी, यानी कि ठीक ठाक वाली कैमरा देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके दूसरे फीचर्स की बात करिए तो ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है और यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट दी गई है, जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच की है। साथ ही यहाँ पर UFS 3.1 की स्टोरेज एंड LPDDR5 की रैम दी गई है और यहाँ पर भी आपको 3.5 का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को फिलहाल के टाइम में 6GB+128GB के साथ 23,499 के प्राइसिंग में बाय कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का कार्ड ऑफर यूज़ करेंगे तो आपको 1500 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपको बजट थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस प्राइसिंग में देखें तो ये स्मार्टफोन सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जहाँ पर अच्छी खासी डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो आप इस डिवाइस को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो ही दोस्तों, ये था टॉप 6 पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज़। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ।